नंद कुमार सिदार एक आदिवासी किसान हैं जिनकी 60 एकड़ जमीन एक कंपनी द्वारा लिया गया था और यह कहा गया था कि इसमें मैं खेती करूंगा, बगीचा लगाऊंगा जिसमें आप लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन मात्र एक साल के बाद जब पता चला कि उनके खेत में कंपनी बिठाई गई है, एक क्रेशर उद्योग लगाया गया है और उसमें लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। 2014 में वीडियो बनाने के बाद जब मैं तहसीलदार से मिला तो तहसीलदार ने ये साफ कहा कि अभी इस काम के लिए स्टे हुआ है, जब स्टे खुल जाएगा तो मैं उस पर कब्जा दिलाऊंगा। पेड़ पौधा जगहों की ही सब हमार कर ले जमीन ला ठक के ले लीस नटोर अग्रवाल कहाँ कर कार्रवाई करे सब ले शुरू तनमार में करें इसमें डिग्री घरघोड़ल मिली और अभी ये कब्जा देहे पर न्याय से आओ नटवर अग्रवाल दे रहे पौधा जगह का के जमीन तो अभी लान के 10 टका दादी से तो ओकर सब हमार महुआ पेड़ पर रही 20-30 हजार के साल में निकले तो सब मर गई। वीडियो का प्रभाव ये हुआ कि गांव वालों को ताकत मिली, उनके लगा कि हमारे साथ कोई है जो हमारा साथ देगा और इसीलिए गांव वालों ने संगठित होकर और ही सख्ती से इस केस को लड़ा और विजय हासिल की। अभी अब हमार नाम में पट्टा होगी से सब होगी से अब लीज में ले ली से हो अब महीना में हमला 21,000 रुपया दे थे हर महीना 21,000 के साल बरली से अब 30 साल बरली से हमार केस बिलासपुर गेरीस रायगढ़ गेरीस घरघोड़ा गेरीस तरमार गेरी थी तो हाई कोर्ट ले फिर तुम्हारे जीत मिली से हाँ हाई कोर्ट ले मिली से पर से पर ऐसे ना वीडियो वन वन अब देखे टीवी वी में तो हम लोग हर ज़्यादा ताकत मिली से तो हाँ नौ बने वाला ज़्यादा ताकत मिली तो भीड़ भाड़ के लड़े पर हम लोग लागी से। इस सफलता के लिए मैं नंद कुमार की तरफ से वर्तमान RI पटवारी तथा वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे इनकी मदद किए और इनके ज़मीन पर कब्जा दिलाने में इनकी सहायता की। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।